Hello lovely mothers, welcome to the Dream Baby Womb Education. भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 और 7 से 12 दो पार्ट में विभाजित किए हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवत गीता अध्याय 13 का सारांश। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच दोनों का भेद समझाते हैं। शरीर यानी कि क्षेत्र, आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इस शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वे अर्जुन को बताते हैं कि स्वयं अर्जुन क्षेत्रज्ञ है जो शरीर का ज्ञाता है। श्री कृष्ण शरीर के तत्वों के बीच का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्र में पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शामिल है और अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त इंद्रिया, मन और अन्य तत्व भी शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है वह सच्चा ज्ञानी है। वे यह भी बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, शुद्धता और भगवान की भक्ति आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति यानी कि माया और पुरुष यानी कि आत्मा ये दोनों अनादि है। प्रकृति से सृष्टि के सभी कार्य उत्पन्न होते हैं और पुरुष इस सृष्टि का भोक्ता है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर का भेद को जानता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। सच्चे ज्ञान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को जान सकता है। योगी व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है और समदर्शी बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा सर्वव्यापी, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। इसे जानने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 13वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के भेद को, सच्चे ज्ञान का महत्व और आत्मा की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से ही व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। भगवत गीता अध्याय 14 का सारांश। भगवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताते हैं और इन गुणों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की सभी वस्तुएं और प्राणी तीन गुणों सत्व यानी कि पवित्रता और ज्ञान, रजस क्रियाशीलता और वासना और तमस यानी कि अज्ञान और आलस्य से प्रभावित होते हैं। सत्व गुण पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। इस गुण से मनुष्य में ज्ञान की वृद्धि होती है और वह शांति और संतोष का अनुभव करता है। यह गुण व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार की ओर ले जाता है। रजस गुण क्रियाशीलता, वासना
और असंतोष का प्रतीक है। यह गुण मनुष्य को कर्म और भोग की ओर प्रेरित करता है। इस गुण के प्रभाव से व्यक्ति में इच्छाएं बढ़ती है और वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। इस गुण के प्रभाव से व्यक्ति में अज्ञानता, आलस्य और भ्रम की वृद्धि होती है। यह गुण व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन तीन गुणों का प्रभाव व्यक्ति के सभी कर्मों, स्वभाव और जीवन शैली पर पड़ता है। सत्व गुण से व्यक्ति में शांति और ज्ञान की वृद्धि होती है। रजस गुण से वासना और असंतोष की वृद्धि होती है और तमस गुण से अज्ञान और आलस्य की वृद्धि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को इन तीन गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वह भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर निरपेक्ष और संतुलित रहता है वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता और मान अपमान में समान रहता है। सच्ची भक्ति के माध्यम से व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ सकता है। जो व्यक्ति सच्ची मन से भगवान की भक्ति करता है वह भगवान को प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार 14वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव, उनके लक्षण और उनसे ऊपर उठने के मार्ग के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि गुणों से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 15 का सारांश। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण संसार के असार और क्षण भंगुर स्वभाव को बताते हैं और परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर ब्रह्मा की ओर और शाखाएं नीचे प्रकृति की ओर फैली होती है। यह वृक्ष संसार के असार और क्षण भंगुर स्वभाव का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्त होने के लिए वैराग्य और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। वे बताते हैं कि इस वृक्ष की जड़ों को काटकर ही परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सभी जीवात्मा उनके ही अंश है। ये जीवात्माएं संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं और कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। आत्मा शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही परम पुरुषोत्तम हैं, वे ही संसार के कारण, पालक और संहारक हैं। वे सबके भीतर व्याप्त है और सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। वे निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजनीय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के आधार है। वे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में प्रकाश प्रदान करते हैं। वे ही पृथ्वी में प्राण शक्ति के रूप में स्थित है और सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें ही प्राप्त करता है।
वे बताते हैं कि सच्ची भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति परम पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को बताते हैं कि आत्मा अनादि, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न तो मरती है और न ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा का यह ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार 15वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के असार स्वभाव, आत्मा की सच्ची प्रकृति और परम पुरुषोत्तम की महिमा के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 16 का सारांश। भगवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को देवीय यानी कि सात्विक और आसुरी यानी कि राजसी और तामसी स्वभावों के गुणों और उनके फलों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि देवीय स्वभाव वाले लोग निम्नलिखित गुणों से युक्त होते हैं: निर्भयता, सत्य, अहिंसा, दमन यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण, शांति, त्याग, समर्पण, करुणा, दया, क्षमा, ज्ञान और धैर्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि देवीय गुणों से युक्त व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे आत्म साक्षात्कार भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुणों का वर्णन करते हैं: अहंकार, दंभ, क्रोध, अज्ञान, अधर्म, लालच, हिंसा, मोह। श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और अंततः नरक में गिरते हैं। वे हमेशा भौतिक सुखों और वासनाओं में लिप्त रहते हैं, जिससे दुख और बंधनों में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग अपने अहंकार और वासनाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं। वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं और अपने जीवन में असंतोष और दुख पाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें देवीय गुणों को अपनाकर और आसुरी गुणों से बचकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह निर्णय व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है, वह अधर्म के मार्ग पर जाता है और दुख पाता है। इस प्रकार 16वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को देवीय और आसुरी गुणों के महत्व, उनके प्रभाव और उनके फलों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें देवी गुणों को अपनाकर और आसुरी गुणों से बचकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 17 का सारांश। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के तीन प्रकार, सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं और इनके आधार पर व्यक्ति के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और दान के प्रकारों का वर्णन करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हुए श्रद्धा के साथ पूजा, यज्ञ और तप करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है, सत्व, रजस या तमस?
श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार होती है। जो लोग सत्व गुण से युक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है। वे देवताओं की पूजा करते हैं और उनके कर्म शुद्ध और निष्काम होते हैं। जो लोग रजोगुण से युक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा राजसिक होती है। वे यक्ष, राक्षस और शक्तियों की पूजा करते हैं और उनके कर्म स्वार्थपूर्ण और दिखावे के लिए होते हैं। जो लोग तमोगुण से युक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा तामसिक होती है। वे भूत प्रेत और अन्य निचली शक्तियों की पूजा करते हैं और उनके कर्म अहितकारी और अज्ञान पूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण भोजन के तीन प्रकार बताते हैं, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, रस युक्त, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को प्रिय होता है, वह सात्विक भोजन कहलाता है। जो भोजन कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, सूखा और दाहकारक होता है, वह राजसिक भोजन कहलाता है। यह भोजन दुख, रोग और शोक को बढ़ाता है। जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंधित, सड़ा, गला और अपवित्र होता है, वह तामसिक भोजन कहलाता है। यह भोजन अज्ञान, आलस्य और अंधकार को बढ़ाता है। श्री कृष्ण यज्ञ के तीन प्रकार बताते हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना फल की इच्छा के और श्रद्धा से किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ दिखावे और स्वार्थ के लिए किया जाता है, वह राजसिक यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ बिना मंत्रों के उच्चारण, बिना भोजन वितरण, बिना दान, बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण तप के तीन प्रकार बताते हैं, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। जो तप शरीर, वाणी और मन से शास्त्रों के अनुसार और भगवान की भक्ति के लिए किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। जो तप दिखावे, सम्मान और स्वार्थ के लिए किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है। जो तप अज्ञान, स्वयं को कष्ट देने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। श्री कृष्ण दान के तीन प्रकार बताते हैं, सात्विक दान, राजसिक दान। जो दान उचित समय, स्थान और पात्र को बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। जो दान प्रतिफल की इच्छा से दिया जाता है या दिखावे के लिए दिया जाता है, वह राजसिक दान कहलाता है। जो दान अनुचित समय, अनुचित स्थान, अपात्र को और अपमान के साथ दिया जाता है, वह तामसिक दान कहलाता है। इस प्रकार 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के तीन प्रकारों और उनके अनुसार कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और दान के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शुद्ध और निष्काम भाव से किए गए कार्य ही हमें सच्चे सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 का सारांश। भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग और मोक्ष के बारे में बताते हैं और गीता के समस्त ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग करना और त्याग का अर्थ है
कर्मों के फलों का त्याग करना। वे कहते हैं कि त्याग तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के भगवान की भक्ति के साथ करता है वह सात्विक त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति कर्तव्यों को कष्ट, भय या किसी अन्य कारण से त्यागता है वह राजसिक त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अज्ञानता और आलस्य के कारण त्यागता है वह तामसिक त्यागी कहलाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी व्यक्ति अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह कर्तव्य चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित होता है और व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। संसार के सभी कार्य सत्व, रजस और तमस के गुणों से प्रेरित होते हैं। व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और फल तीनों गुणों के प्रभाव से निर्धारित होते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जिससे व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है और वह यह समझता है कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति समर्पण भाव से भगवान की शरण में आता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि वह धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। वे बताते हैं कि भगवान की कृपा से सभी संदेहों से मुक्त होकर यथासंभव श्रेष्ठ कर्म करेगा। श्री कृष्ण गीता के उपदेशों का महात्म्य बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि उसने जो सुना है उसे समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। अंत में अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपनी सभी संदेहों को दूर कर लेता है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने संन्यास, त्याग, कर्तव्य, भक्ति और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना और भगवान की भक्ति करना ही मोक्ष का मार्ग है। तो इसी प्रकार भगवद गीता का अध्ययन आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में भी सहायक होता है। इससे गर्भवती महिला का संपूर्ण विकास होता है जिससे यह बेहतर माता बनने के लिए तैयार होती है और बेहतर शिशु को जन्म दे सकती है।